वेलकम हो गया जी आप सबका ब्रांड न्यू जीरो मीटर ब्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और बस इन डेज में थोड़ा बुखार सा फील हो रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं सोया उठा हूँ, और आज अभी बहुत सारे काम करने वाले हैं, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी अपनी वॉश करवाने। आपको पता है कि गाड़ी ली है, तो भी जब से ली है वो गाड़ी वॉश नहीं करवाई, उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है। अभी चलते हैं और गाड़ी वॉश करवाते हैं, तो आ जाए जी, निकलते हैं। ले जाओ अंदर ही। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बोलो मेट्रो पेप्सी। बोलो क्या? बबर शेर। मेट्रो बबर शेर है ये? ये बबर लोमड़ी है। बोलो मेट्रो पेप्सी। बोलो बबर, बोलो बबर लोमड़ी। बोला गांधी सोनो माओ, सोनो भाई को, मामू को बेटा दे दो, चलो दुआ कर दो। आमीन भी कर दो। बेटा दे दे। आमीन कर दो। ऐसे मुंह पे हाथ फेरो, दुआ कर। चलो आमीन कर दो, आमीन कर दो। उधर देखो। आमीन कर दो। उधर ऐसे आमीन कर दो। आमीन कर दो। आमीन। यार मैं आपको दिखाता हूँ जरा गाड़ी की सूरत हाल, चेक करें कितनी गंदी हुई है। मिठू भाई ये लॉक खोली, ये देखें जी क्या हाल हुआ है। बहुत ज्यादा डस्ट पड़ी हुई, अभी इसे जरा वॉश करवाते हैं। इसलिए सिखा रहा हूँ मैं, ईद पे जाना घर, फिर मेरा मानो दरवाजा खोल। ईद तो कर दो, साढ़े कोल नहीं करनी, वो आ जाएंगे ना ईद 10 दिन बाद। ईद तो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद देख लो। चार रात पारो, करू पारो, मरू पारो, और जो मर्जी पारो, उठे जाके मरू ना हो जाए। चलें जी। जी हम सर्विस सेंटर पहुंच गए और अभी गाड़ी वॉश हो रही है। ये देखें जरा गाड़ी कितनी गंदी हुई है। ये देखें जी गाड़ी उठा ली हमारी की। ये देखें जी स्नो फॉल हो रही है हमारी गाड़ी पे। जी अभी भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये वीडियो वगैरह आप किस लिए बना रहे थे, तो मैंने बताया कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो भाई कहते हैं कि मुझे भी व्लॉग में लें, तो इसलिए भाई को लिया। भाई कहते हैं कि मैं फिर यूट्यूब पे भी नजर आऊंगा। मैंने कहा हाँ जी जरूर। आपने यूट्यूब पे लिखना है मुहसिन अब्बास व्लॉग, ठीक है, आपकी वीडियो आ जाएगी जिसमें आपका, ठीक है, शुक्रिया। ओके, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप सबने भूलना। और मेरा इंस्टाग्राम है मोहसिन अब्बास 3553, वहाँ आकर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। मेरे लोगों ने मुझे कॉमेंट्स वगैरह किए भी हैं, लास्ट जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था मैंने उस पर इंस्टाग्राम का बोला, और बहुत सारे लोगों ने किया मुझे कॉमेंट्स, और बहुत सारे लोगों ने DM वगैरह किए, उन सबसे मैंने बात भी की। लव यू सो मच जी। मैं घर आ गया था तो अफ्तारी वगैरह कर ली है, और अभी अफ्तारी किए हुए भी 1.5 घंटा हो गया, तो अभी ज़्यादा तराना हमारा पाकिस्तानी कौमी तराना वो पढ़ रहे थे अभी, तो अभी एहतरामन हम खड़े तो हो नहीं सकते, आपको पता है हारमोनियम इधर पड़ा है, तो आपको भी सुनाता हूँ, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखें जी हमारे गेट का कलर चेंज होने जा रहा है, ये ब्लैक था और अब ये वाला कलर हो रहा है। टंटना यार घर वाले पहचानना हट गए थे, इसलिए मैंने बियर्ड वगैरह बनवाई, तो बाल वगैरह बनवाए, इसलिए मैं व्लॉग में ही बना पाया, क्योंकि ये वाले मोबाइल की जरा बैटरी लो थी, तो ये वाला घर पे ही था मोबाइल। और मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि भाई अपने बाल वगैरह भी कटिंग करवाएं, दाढ़ी का किसी ने नहीं बोला था, दाढ़ी का घर वाले बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर कटिंग भी साथ ही करवा दी। मैंने कहा यार चलो ईद भी आ रही है और मेरे सब्सक्राइबर भी खुश हो जाएंगे, वो सब कह रहे थे कि भाई आप बाल अपने कटिंग करवाएं, तो भाईजान करवा दिए। जिस जिसने भी कमेंट किया था, खुश हैं आप? नहीं। तो अभी चेंज वगैरह किया, अभी नहाया हूँ, अभी हमने जाना है आपकी भाभी की ईद की शॉपिंग करने, और मेरी भी, क्योंकि मैंने और आपकी भाभी ने हमने ईद की शॉपिंग अभी तक नहीं की, और अभी आज आपको बताया चांद रात है,
तो इसीलिए आज ही जाना पड़ेगा। और अभी देखते हैं कि वहाँ बाजार में, अभी आपकी भाभी मुझे बोल रही थी कि आप इतना लेट लेके जा रहे हैं, वहाँ जितनी अच्छी चीजें हैं वो सारी बिक गई होंगी। अभी वहाँ पहुँच के देखते हैं बाकी कि कोई अच्छी चीज मिलती है वहाँ से या नहीं। चले निकलते हैं। ये देखें जी, गेट माशाल्लाह कंप्लीट हो गया और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि पहले ब्लैक कलर का था और बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ग्रेस आई है इस कलर की। चले जी, बाकी अभी चलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ। मुझे तो यही लग रहा है इतना रश होगा ना, क्योंकि हमारे मोहल्ले में इतना रश है तो वहाँ तो ऐन लगा होगा रश का। जी हम पहुँच गए, अभी पहुँच गए, अभी अंदर जा रहे हैं जी। आपका भाई साथ ही खज्जल होएगा। इतने इतने बुरे कपड़े क्यों हैं इस दफा, मुझे समझ नहीं आ रही। कोई भी नहीं पसंद है, कोई भी नहीं अच्छा। ए बाटा वाले ने चप्पल लेके सारे मार दे। मैं और शैलो तो हम बैठ गए इधर, आ गए थक गए से दोवें भरा है। बस होई के नहीं, बस ही बस। शादी करनी तुम्हें, बड़े हो गए ए न्याणे चक्कण वाले आ गए। हां बस हो गई ना जी, मेरी अपनी लतां दी बस हो गई यार, अजे तक कोई पसंद नहीं आया। अजे वेख ला मेरी भी शॉपिंग रहिंदी, तेरी भी रहिंदी, की बन गया वेख ला अपने नाल। गंदियां गंदियां बुढ़िया विखाई जा रहे सानू। मिजाज पे आ गए हैं जी, अब मिजाज से देखने लगे वो सारे ब्रांड फिर लिए, अभी तक कोई पसंद नहीं आया। केसरिया इधर, वो क्या नाम है यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखे जी, देख ले ब्रांडो का हाल। मेरे बचपन का झग्गा ला कर रहा। मैं अपने लिए देखने आया हूँ इधर, कुछ शायद मिल जाए कुछ कुछ अच्छा, शायद मे बी। नहीं यार नहीं। शाहपोश पे आ गए हैं जी, अभी यहाँ से पसंद कर रहे हैं, अगर कुछ आ गया पसंद को भी। शैलो दिखाता है कि मैं बैठा कैसे हूँ, दिखाई जरा खड़ा जरा। भाई भी हंस रहे हैं मेरी बात से, मन लग रहा है मैं साल बाद बैठा। फाइनली पसंद आ गया जी, शुक्र। भाई कितना खपा हूँ मैं, कितना खपा हूँ मैं, बता दे जरा। नहीं लिया किसी ने, आपका एक ही बन के आया था। किसी और ने लिया, मैं अभी छोड़ देना इसको, बस खाना खाने खाना। ये वाला बाइक ही है जी फाइनली, शॉप पोस्ट पे। शैलो ने तस्वीर खिंचानी जोकर के साथ, ऐ शैलो पप्पी करके, पप्पी करके। देख लें जी कहाँ कहाँ आना पड़ रहा है जी। गाइस भूख लग गई थी, बस हो गई है भूख से भी और चल चल के भी। तो भी आए हैं जरा फ्लोटिंग स्ट्रीट पे, यहाँ कुछ खाएंगे, ऑर्डर करने लगे हैं तो कुछ खाते हैं। ये आ गया जी हमारा ऑर्डर। हाय 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 हाय, शुरू हो गया। अभी जरा बच्चे मिलने आए थे, ये काफी दूर से आए हैं तस्वीरें वगैरह खिंचवाने, तो ये देखें। ठीक है, ये बोल रहा था व्लॉग में ले मुझे, ये बच्चे आए हैं सभी। क्या नाम है आपका, ऊंची बोलो, आपका क्या नाम है। आप भी आओ इधर बेटा,
ये बच्चे ब्लॉग देखते हैं मेरा, और ये भाई लेके आए हैं। इन्होंने कॉल की थी कि आप घर पे ही हैं, मैं अभी घर पे ही था, अभी मैं निकल जाना था बाहर कहीं काम से, तो अभी मैंने इन्हें बोला कि आप आ जाएं, कोई बात नहीं, तस्वीरें वगैरह ले आओ। तो आप पहले भी आए हैं? दो मरतबा आए हैं, पर मुलाकात नहीं, फिर नंबर मैंने नेट से निकाला तो कॉल किया। सही सही, और आप खुश हैं? बड़ी और मज़ा आ रहा है। कुछ खाए पिए बड़ी बेटा, आपने कुछ खाना पीना? थैंक यू भाई जी। मैं घर आ गया था और दोबारा फिर मैं बाज़ार निकल गया था, क्योंकि बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी, शाहनूर के लिए, शाहताज के लिए, फबीहा लोगों के लिए, सबके लिए चीज़ें वगैरह लेनी थी बच्चों के लिए। तो आपको पता है ये ईद वगैरह ये ऐसे इवेंट तो बच्चों के लिए होते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि इन्होंने तैयार होकर निकलना होता है बाहर, बच्चों के साथ खेलना होता है। अभी भी मैं भी रात के टाइम क्या हो गया है, अभी 4:11 हो गए हैं और मैं 2 दिन से स्टिल जाग रहा हूँ, और अभी मैं जाने लगा हूँ फिर दोबारा बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेने, क्योंकि इनकी चूड़ियाँ वगैरह मैं भूल गया हूँ। और क्या रहता है आपका? सुनो मामू, अभी ने चूड़ियाँ तो ले दी हैं, अब मेहंदी भी ले दी है। अच्छा, आपके आपको ले दी हैं चूड़ियाँ? हाँ जी। तो शाहताज बहना की रहती हैं, बीयू बहना की रहती हैं, अभी और बीयू को भी लेती है, शाहताज को भी लेती है, बीयू को भी लेती है। यानी जो चीज आपके पास है वो और को किसी को ना लेके दूं है, यानी सबके पास है फिर? लेकर दे दो फिर। अभी मैं जरा बच्चों के लिए चूड़ियाँ वगैरह लेने जा रहा हूँ, बालों को लगाने वाली पिन होती है शायद, पिन वगैरह लेने जानी है, और भी कुछ चीज़ें लेने जानी है। तो ये व्लॉग तो ऐसे 1 साल का हो जाएगा अगर मैं बनाते जाऊँगा, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। आपको पता है आपकी भाभी ने बहुत घुमाया फिराया, और उसके बाद बच्चों की शॉपिंग ने, अपने लिए मैंने एक चीज़ भी नहीं ली, ऐसा ही एक चीज़ भी मैंने अपने लिए नहीं ली, बच्चों के लिए ली हैं, आपकी भाभी के लिए चीज़ें ली हैं, बस हमारी ईद ऐसे ही इनको देखकर ही हो जाएगी। तो बाकी इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने गए बान खुदा है।